थर्ड थर्ड में क्या बोल रहे हैं पढ़ो तो भाई। अरे अभी तक तो मैं पहुंच गया वहां। इफ द ओरिजिन क्या कर रहे थे अंदर बुक में से पढ़ रहे थे। हां इसी में से पढ़ लेते हैं। अच्छा चलो। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR विद द वर्टाइसेस। ट्रायंगल गिवन है PQR क्या है 2A 2 एंड 6। Q क्या है -4 3B -10 और R 8 14 2C। अच्छा पढ़ो फिर से पढ़ो तो नील भाई। If the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices P हाँ बस and then find the value of ABC। यहाँ B अननोन है यहाँ C अननोन है और यहाँ A अननोन है। क्या बोल रहे हैं if the origin is the centroid of the triangle। origin मेरा क्या है O suppose वो क्या है centroid of the triangle। physics में हम पढ़ने वाले हैं कि triangle का centroid कैसे निकालते हैं। बहुत easy है। हाँ ओके वो मिड पॉइंट था ना वैसे ही तीनों का सम करना है और कुछ नहीं। तो सेंट्रोइड क्या होगा सेंट्रोइड तो यहाँ लिखना पूरा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ओके वो कितना होगा सबका सम कर देना है तो से 2a प्लस माइनस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 सबके x का सम कर दिया डिवाइडेड बाय 3 सबके y का सम कर दो सो 2 प्लस 3b प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। देन ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं सो अभी z1 के लेंगे तो z1 है 6 प्लस से माइनस 10 प्लस से 2c क्या है 2c डिवाइडेड बाय 3 वो सेंट्रोइड ही क्या है ओरिजिन। तो कंपेयर किससे करना है 0 0 0 से तो 0 0 0 इज इक्वल्स टू दिस तो क्या ये इसको पूरे को तुम 0 से इक्वेट कर दोगे इक्वेट करना है ना तो इसको पूरे को 0 से इक्वेट करोगे 3 * 0 तो 0 हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा 2a ये -4 + 8 कितना होगा +4 +4 उस साइड जाएगा तो -4 -4 डिवाइडेड बाय 2 तो वो कितना होगा -2 ओके तो e की वैल्यू क्या आ गई -2 फिर अगेन इसको भी 0 यहां तो 0 हो गया 2 + 14 16 हो गया 16 उधर जाएगा तो -16 -16 / 3 अगेन ये 0 हो गया ये क्या है 2c है 6 -10 कितना हो गया -4 -4 उधर जाएगा तो +4 +4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज +2 ओके तो c कितना है 2 खत्म एबीसी मिल गया। इक्वेटी करना है सिर्फ लेकिन तुम्हें सेंट्रोइड का इक्वेशन पता होना चाहिए जैसे मिड पॉइंट होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही सेंट्रोइड क्या होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3 एंड z1 + z2 + z3 डिवाइडेड बाय 3 डन ओके उतना ही था बाकी तो इक्वेटी करना है ओके एंड बचा हुआ है लास्ट।